इतने इतने पुराने 15th century 16th century ऐसे ऐसे, ये देखो ये 12th 13th century है। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम हैदराबाद। वी रीच लास्ट टू लास्ट नाइट एंड आज हम लोग हैदराबाद से निकल रहे हैं, बट उससे पहले फ्लैग ऑफ इवेंट एंड एवरीवन इज गेटिंग फेलिसिटेटेड हियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की राइड शुरू करते हैं यहाँ से विजयवाड़ा के लिए, ज़्यादा नहीं आज 260-270 किलोमीटर्स, और बीच में हम लोग बहुत जगह जाएंगे, रामोजी फिल्म सिटी भी जाएंगे, बट अंदर नहीं क्योंकि वहाँ जाने के लिए पूरा टाइम चाहिए। अरे वाह, ओहो। अमिता, अभी यहाँ पे एक दिन पूरा स्पेंड किया हैदराबाद, यहाँ का लोकल फूड ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू हैदराबाद एंड स्टार्ट दिस व्लॉग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज यहाँ से हमारा जो फर्स्ट फ्लैग ऑफ होना है मेन, वो रामोजी फिल्म सिटी से होना है एंड 30 किलोमीटर्स है रामोजी यहाँ से, जिसमें कि एक घंटा लग जाता है पहुँचने में वहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक, भाई साहब हैदराबाद का ट्रैफिक इज़ माशाल्लाह। तो हम लोग पहुंच गए रामोजी फिल्म सिटी। शानदार शानदार। रुद्रदाब चल रहे आगे क्या? चलो मिलेंगे फिर आपसे, हैदराबाद आएंगे। ओके, सो अब यहाँ से फ्लैग ऑफ हो चुका है। रामोजी फिल्म सिटी अंदर तो नहीं गए हम लोग, क्योंकि टाइम यहाँ के लिए तो 2-3 दिन भी कम है पूरा घूमने के लिए। सो यहाँ से फ्लैग ऑफ इवेंट तय रखा था एंड अब यहाँ से सीधा आगे विजयवाड़ा की तरफ। ओके बाय। फ्लैग ऑफ डन, अब पेट्रोल भरवाना है क्योंकि पेट्रोल बिल्कुल खत्म है। यहाँ से अब लगभग 180 किलोमीटर बच गया विजयवाड़ा। उससे पहले हम लोग का लंच स्टॉप है वो शायद बीच में कहीं पर है, और ये पहाड़ देखो यहाँ के, ऑलमोस्ट सारे पहाड़ ऐसे ही है, मतलब पत्थर इकट्ठा किए हुए ऐसा लग रहा है, एक के ऊपर एक रख के, और फिर ये पहाड़ बना है। बजरंग बली का मंदिर भी है, जय हो बजरंग बली की। सो बस जा रही है जर्नी, अभी मैं थोड़ा पीछे हो गया हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ मौज करते हुए, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। कल भी ऐसा ही मौसम था, कुछ धूप नहीं निकली पूरा दिन, आज भी वैसा ही मौसम है, बीच में हल्की हल्की बहुत बारिश होती है और फिर बंद हो जाती है। सो आज तो राइड करने का दिन है तो मज़ा आ रहा है। चेन्नई राइड, विजयवाड़ा के लिए किधर जाने को होता। सारे अलग अलग रखे हुए पहले से। ये मेरे ख्याल कॉफी है ना? डिकॉशन है। ठीक है, ब्लॉक है, चाय का डिकॉशन है। अच्छा, ब्लॉक टी। अच्छा, इसमें सारा मिला के तो अब यहाँ से बचा है 60 किलोमीटर, जो हमारा लंच पॉइंट है, बॉर्डर है ना, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का।
60 किलोमीटर बच्चे आराम आराम से चल रहे हैं, चाय ब्रेक है, चाय पी रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल अलग स्टाइल से चाय बनाने हो, तो इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे कैमरा उठा है। दिल्ली तो फील हो रहा है कि गर्मी तो बिल्कुल नहीं अभी दो दिन से, क्योंकि धूप ही नहीं निकल रही है और बढ़िया एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, मजा आ रहा है। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं विजयवाड़ा, दैट इज़ वेरी क्लोज टू कोस्टल एरिया, तो वहाँ देखो कैसा वेदर रहेगा। लेकिन भाई जो सोचा था ना कि जैसे जैसे नीचे उतरते रहेंगे गर्मी बढ़ती रहेगी बहुत ज़्यादा, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, क्योंकि तो गर्मी होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, कुछ करने का मन नहीं करता। मतलब बाइक तो तुम किसी तरह चला लोगे लेकिन कुछ भी और करने का मन नहीं करता फिर। टाइम तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन हम लोग ये 60 किलोमीटर बहुत जल्दी आ गए। बॉर्डर रेस्टोरेंट, यहाँ पे स्कॉर्ट भी है। क्या पाजी लंच रेडी है? रेडी बिल्कुल, थालियों में परोस के उन्होंने इंतजार में खड़े हमारे। तो आप क्यों बाहर खड़े हो? मेरे लिए मुँह धो के आया हूँ फोन करना चाहिए। चलो He's entertainment. So this is the food we are having. क्या क्या है पता नहीं, दही चावल रोटी दाल और कुछ कुछ है। अच्छा लग रहा है, खा के देखते कैसे। आप लोगों ने तो खा लिया, कैसा है रोटी? अभी शुरुआत की है भाई, पिकल देना भाई। पिकल सर, लेकिन नमक ज़्यादा है। म्यूज़ियम में इतने अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स रखे हैं भाई साहब, इतने इतने पुराने, 15th century, 16th century ऐसे ऐसे। ये देखो ये 12th, 13th century है भाई। ये देखो कितने सारे शिवलिंग हैं, नंदी जी हैं, आधा टूटा हुआ उसको रिस्टोर किया है। सही जगह है ये, देखो ये सप्त मातृकाज 11th, 12th century भाई। ये पनवत्तम ये दूसरी साइड में जहाँ पर ये सब है, मतलब ये हाथ से बनाए हुए स्टोन के एक्सेस हैं। यहाँ पे सारे हथियार वगैरह ये सब रखे हैं, इसमें ब्लेड्स हैं, मेसोलिथिक पीरियड, अलग अलग पीरियड्स के हथियार, ये सारी चीज़ें।
नियोलिथिक पीरियड, यहाँ पे आना बनता है। इफ यू आर इन विजयवाड़ा, डू विजिट बापू म्यूजियम। सो दिस इज अ मोमेंट की देखना किस तरह है सतीश भाई, है कहाँ देखना है, इतने सारे कैमरा से सो दिस इज आवर होटल फॉर टुडे, होटल मनोरमा। फाइनल इन टू आर रूम, और हालत देख लो रूम की क्या है। सो ऐसा ही कुछ होता है, ये सारे अभी पानी से धो दिया ऐसे। तो अब रूम में आ गए, यहाँ पे एक मंदिर है जो कि बहुत फेमस है, यहीं पे आके पता लगा है। सो ट्राई करूँगा वहाँ पे जाने का, अभी फ्रेश हो चुका हूँ, नहा चुका हूँ, टाइम अभी सिर्फ 6 भी नहीं बजे। सो लेट्स गो आउट एंड सी क्या क्या है विजयवाड़ा में।